हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 160। जी हाँ, कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर एक आईओ चाहे तो वो पर्संस एक्विंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को वो थाने बुला सकता है, ठीक है, उनके बयान ले सकता है, पर किसको नहीं बुला सकता, हम इस सब को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको ये सब कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से करवाऊंगा और फिर मैं आपको यही सब कुछ कैसे करवाऊंगा। आई विल बी यूजिंग द बेरट, ठीक है, बेरट रीडिंग हम इसकी हम करने वाले हैं, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद इट। ठीक है जी, ये देख लेते हैं कि कहां पर हमने रखा हुआ है। हियर वी गो। Here it is. ये देखिए क्या कहता है सेक्शन 160, ठीक है, 160 ये है। 160 को कई क्लॉजेस में डिवाइड करके हम स्टडी करते हैं। ये बेयर में से आपको दिखा रहा हूं, 160 पहले क्लॉज 1 है, फिर उसको उसका प्रोविजो है और फिर क्लॉज 2 है, ठीक है। तो क्लॉज 1 क्या कहता है, 160 क्लॉज 1, कि कोई भी आईओ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, क्लॉज 1 देखिए, कि कोई भी आईओ जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है केस को, एनी आईओ मे ऑर्डर इन राइटिंग एंड रिक्वायर वर्ड है ये, रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ एनीवन, वो किसी को भी थाने बुला सकता है, उसको जो कि एक्विंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, यानी कि जिसको उस केस के बारे में कुछ जानकारी है, ठीक है, उस बंदे को बुला सकता है जो within his limits or of adjoining police station, या तो उसी थाने की jurisdiction में आता है, यानी या फिर adjoining police station के थाने के अंदर आता है, such person shall, उसको आना पड़ेगा, shall attend, otherwise he is liable under section 174 IPC, बुलाने पर भी नहीं आया, तो ये एक offence होगा under section 174 of IPC, लेकिन अगर AABB है, ठीक है, कोई ए औरत, कोई अपाहिज, कोई बी बच्चा या कोई बूढ़ा, ठीक है, किसी वुमन को, किसी डिसेबल्ड को, चाहे वो मेंटल डिसेबल्ड है चाहे फिजिकल डिसेबल्ड है, किसी चाइल्ड को लेस देन 15 इयर्स, किसी ओल्ड एज पर्सन को लेस देन 60 मोर देन 65 इयर्स ऑफ एज को कभी भी थाने नहीं बुलाना। शैल नो दिस शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड अदर देन प्लेस ऑफ रेजिडेंस, उनको उनके घर जाके बयान लिए जाएंगे, ठीक है, और उनको थाने नहीं बुलाना। अगली चीज आती है हमारा क्लॉज 2, कि उनके आने जाने का खर्चा जो है, ठीक है, उनकी दिहाड़ी खराब होती है, आने जाने खर्चा होता है, उसको भी पे करने के लिए रूल्स बनाए जा सकते हैं। प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ रीजनेबल एक्सपेंसेस टू द पर्सन मेकिंग सच अटेंडेंस, पुलिस ऑफिसर उसको कुछ पेमेंट करने के लिए भी रूल्स या प्रोविजन क्रिएट कर सकता है, ठीक है जी। एग्जैक्ट वर्ड्स देख लेते हैं, बेरट में क्या लिखा गया है इसको लेकर, ये आपके सामने आ गया है बेरट, ओके, आई होप आप इसको देख पा रहे हैं, ठीक है। पुलिस ऑफिसर्स पार्ट टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, ठीक है जी, ये देखिए, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर मे By order in writing, की written order के द्वारा may, वो चाहे तो क्या कर सकता है, require the attendance before himself of any person being within the limits of his own or adjoining police station, अपने थाने या साथ वाले थाने के jurisdiction में जो लोग रहते हैं उनको वो बुला सकता है, ठीक है, who from the information given or otherwise appears, जो सूचना उस आईओ को मिली है, ठीक है, या फिर अदरवाइज जो उसे लगता है कि दे आर एक्विंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कि ये गवाह हो सकते हैं, विक्टिम हो सकते हैं, एक्यूज्ड हो सकते हैं, या कोई और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और सच पर्सन, उनको आना पड़ेगा, नहीं आते हैं तो ये आईपीसी का ऑफेंस है अंडर सेक्शन 174, ठीक है। और कभी किसी मेल पर्सन को अंडर 15 या अबव 16 थाने नहीं बुलाना, या फिर किसी वुमन को नहीं बुलाना, या फिर किसी मेंटली या फिजिकली डिसेबल को थाने नहीं बुलाना, उनको कहाँ बयान दिए जाएंगे,
where they reside, unka place of residence, they shall not be required. ठीक है जी? Then state government चाहे तो rules बना सकती है किस चीज के लिए कि payment करेगा पुलिस ऑफिसर इन लोगों को आने जाने के reasonable expenses for every person who is attending the meeting. ठीक है जी? Under subsection 1, at any place other than, अगर residents के अलावा कहीं और बुलाया गया तो खर्चे कौन देगी? सरकार देगी. क्लियर? फिर आते हैं 161 पर. अब हम बात करें एग्जामिनेशन. ठीक है, कि उनको एग्जामिन किया जा सकता है, उनसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है. क्लियर? अब इसको भी पहले हम डायग्राम से करें तो और अच्छा होगा. ठीक है जी? ये देखिए, ये आ रहा है इसका डायग्राम, 161 का डायग्राम. ठीक है, एनी पुलिस ऑफिसर मे एग्जामिन ओरली एनी पर्सन सपोज टू बी एक्विटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस. ठीक है, ओरली क्वेश्चनिंग कर सकता है और वो जो पर्सन है उसको जवाब देना होगा, बाउंड टू आंसर ट्रूली, बट नॉट इन केस ऑफ दोज क्वेश्चंस व्हिच टेंड टू एक्सपोज हिम टू क्रिमिनल चार्ज, पेनल्टी और फॉरफिटचर. यानी सेल्फ इंक्रिमिनेटरी बयान देने के लिए कोई बयान कोई मजबूर नहीं कर सकता. जो ऐसा क्वेश्चन है, क्या तुमने मर्डर किया है, ठीक है, क्या तुमने ही मर्डर किया है, इस प्रकार के सवालों के जवाब देने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता. ठीक है, और 161 क्लॉज 3 क्या कहता है? ठीक है, वो पुलिस ऑफिसर चाहे तो जो बयान आए हैं उनको रिटर्न में लेके आएगा. ठीक है, मेड इन कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट्स मेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और स्टेटमेंट्स मेड इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन में फर्क है. तो इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन की ये वाली स्टेटमेंट्स को वो चाहे तो रिटर्न में लेके आएगा. ठीक है, और उसका सेपरेट रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकता है और उस पर सिग्नेचर भी लेगा. ठीक है जी? और नो सिग्नेचर्स. ओके, और आगे चलते हैं. प्रोविजन टू क्लॉज 3 कहता है स्टेटमेंट में आल्सो बी रिकॉर्ड ऑडियो विजुअल. इन स्टेटमेंट्स को पुलिस ऑफिसर ऑडियो विजुअल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी रिकॉर्ड कर सकता है. और एक और सेकंड प्रोविजो क्या कहता है, स्टेटमेंट्स इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होगी, अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस है तो शेल होगा ही होगा, उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, बाय पुलिस ऑफिसर. ये मैंडेटरी प्रोविजन है. अगर वुमेन पुलिस ऑफिसर नहीं है तो कोई और वुमेन ऑफिसर. ये कब रूल आया, 2013 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में आया, आफ्टर द निर्भया कांड. क्लियर? और आगे चलते हैं हम. ये हमने अभी जो किया है इसको हम बिरट से करेंगे, कल हम इसके डिटेल में नोट्स भी करेंगे. ठीक है जी? 161 देखिए क्या कहता है, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर. अगर कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, यानी कि आईओ की बात हो रही है, या फिर एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर प्रिस्क्राइब. ठीक है, एक्टिंग इन रिक्विजिशन ऑफ सच ऑफिसर, आईओ खुद या आईओ के कहने पे जो कोई और ऑफिसर काम कर रहा है वो अबव द रैंक ऑफ कॉन्स्टेबल. ठीक है जी? मे एग्जामिन ओरली, तो ओरली क्वेश्चन पूछेगा और वो पर्सन सपोज टू बी एक्विटेड विद द फैक्ट्स, जिसको पता है उस केस के बारे में उसे ओरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे. और शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली, ये मैंडेटरी रूल है कि सच सच जवाब देने होंगे, अदरवाइज इट इज एन ऑफेंस. ठीक है जी? और सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस टू सच केस पुट टू हिम बाय सच ऑफिसर अदर देन, किन क्वेश्चन के आंसर वो ना भी दे तो चलेगा, जो खुद उसी को फंसा रहे हैं, वो क्वेश्चंस व्हिच हैव टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू क्रिमिनल चार्ज, पेनल्टी और फॉरफिटचर. ये 20 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेटरी एविडेंस. ठीक है, और आगे चलते हैं. फिर आता है क्लॉज 3, पुलिस ऑफिसर चाहे तो इसको रिटर्न में भी लेके आ सकता है इन स्टेटमेंट्स को. ठीक है, ये वो स्टेटमेंट्स हैं इन द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन. ठीक है, एंड और अगर वो ऐसा करता है, ही शैल मेक अ सेपरेट और ट्रू रिकॉर्ड, उसका मेंटेन करेगा. ठीक है जी? और ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो इस सबसेक्शन में ली गई, उनका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, कैमरा भी लगाया जा सकता है. और अगर ये सब सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, ठीक है, तो हमेशा वुमेन पुलिस ऑफिसर बयान लेगी. ठीक है, और
ये मैंडेटरी रूल है, अगर वो पुलिस ऑफिसर नहीं है तो कोई और वुमन ऑफिसर लेगी। ये कौन से सेक्शुअल ऑफेंसेस हैं? 354, 54A, 54B, 354C, 354D, 376, 376A, 376B। निर्भया कांड के बाद ये प्रोविजंस बने थे। 2012 में हुआ था दिल्ली गैंग रेप केस, उसके बाद वर्मा कमिटी के रिकमेंडेशंस पर आईपीसी में, सीआरपीसी में, इंडियन एविडेंस एक्ट में लैंडमार्क चेंजेस आए थे विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल ऑफेंसेस, द डेफिनेशन ऑफ रेप एंड मेनी अदर सच चेंजेस। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या है, 160 और 161 को दोनों को डायग्राम के द्वारा हमने किया है, ठीक है, प्लस उसकी बेरट रीडिंग की है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि ये आप अच्छे से करके रखें, कल के सेशन में हम क्या करेंगे, इसके नोट्स को स्टडी करेंगे। आज के सेशन को हम यही खत्म कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? ओके।